देवास जिले के ग्राम डिगोद के औरासानी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और आदिवासी मोहल्ले में टंट्या मामा की प्रतिमा स्थापित की गई, जिसका गुरुवार के दिन हाटपिपलिया विधायक मनोज चौधरी द्वारा अनावरण किया गया। इस दौरान विधायक मनोज चौधरी द्वारा भीमराव अंबेडकर मूर्ति प्रांगण में पार्क निर्माण के लिए 4 लाख और टंट्या मामा प्रतिमा पर टीन शेड निर्माण के लिए 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। ग्राम पंचायत डिगोद द्वारा स्थापित की गई मूर्तियों का विधायक मनोज चौधरी, सरपंच रतनलाल डावर, आत्माराम सारण, मोहन सारण और अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में मूर्तियों का अनावरण किया गया। इस दौरान विधायक निधि से दी गई राशियों से हुए निर्माण कार्य का लोकार्पण भी किया गया। विधायक मनोज चौधरी का और राजस्थानी में जगह जगह ग्रामीणों द्वारा साफा बांधकर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। यहाँ पर तो बहुत पहले समस्या, जब भी मैं अभी चुनाव में जब आया उस समय एक तो शमशान तक जाने का रास्ता नहीं था, साथ ही शमशान में जो शेड निर्माण की आवश्यकता थी वो निर्माण कार्य हुआ है, तो उसका लोकार्पण हुआ है। साथ ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा औरासाने में एवं अम्बेडकर नगर में टंट्या मामा की प्रतिमा का लोकार्पण यहाँ पर किया गया है, जो पंचायत द्वारा निर्माण किया गया था। साथ ही हमारे कई साथी यहाँ पर कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होता भी उन्होंने ग्रहण की, ऐसे यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। उसी कार्यक्रम में हम आज यहाँ पर हम सबके बीच में है। इस क्षेत्र के विकास के लिए हम हर संकल्पित है और लगातार विकास और साथ में जनता के बीच में रहकर उनकी छोटी मोटी जो भी समस्या होती है उसका तत्काल कैसे निराकरण हो, ये हमारा हर संभव प्रयास रहता है। और उसी कार्यक्रम में आज का भी कार्यक्रम था जिसमें हमारे विकास कार्य यहाँ पर किए गए, उसी में हम यहाँ पंचायत के द्वारा और ग्राम कार्यक्रम का आयोजन हुआ, उसमें हम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।